हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए अभी हम लोग फिजिक्स यूनिट 2 में पढ़ने जा रहे हैं अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम को प्राप्त करें। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, जिसकी सहायता से हमको ओम के नियम भी बराबर IR जो होता है उसको प्राप्त करना है। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता क्या है? चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, उसके वेग का नाम है अनुगमन वेग, अपवाह वेग, जिसके चलते चालक में इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। जिस धारा का व्यंजक होता है I बराबर NeaVd, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होती है चालक में, इसका व्यंजक होता है I बराबर NeaVd। N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काप का क्षेत्रफल चालक का, और Vd क्या है? अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इसको आगे बढ़ाना है, इसी से मेरा प्राप्त हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, I विद्युत धारा है, N को लिख दिए, E लिख दिए, A लिख दिए, Vd का मान होता है स्मॉल E कैपिटल E टॉप बाय M, स्मॉल E इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तो है विश्रांति का, यानी चालक में धन आयन और ऋण आयन के बीच के टक्कर का अल्प समय। ठीक, और एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर इसको आगे बढ़ाना, आई बराबर एन ई का स्क्वायर हो जाएगा, दो ठो है ए तो बाय एम, क्या बच गया? ई बच गया, ई को लिख दिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, एन E का स्क्वायर ए टॉ बाय एम, ई बराबर क्या होता है? वी बाय एल होता है ना, वी मतलब विभवांतर, एल मतलब लंबाई, चालक का लंबाई। अब क्या करना है, देखिए एम और एल जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना है बराबर के इधर। ठीक है, ऊपर चल गया और ये सबको पकड़ के नीचे करना है बराबर के इधर, तो नीचे चलाएगा, चलाए ठीक, तो उधर क्या बच गया? वी, और इधर बराबर के बाएं तरफ आई है उसको दाएं तरफ ले जाना है, तो भाग लग जाएगा वी बाय आई, यानी मेरे पास वी और आई आ चुका है, क्या लाना है? आर लाना है, यानी इधर ही आर चलाएगा। कैसे आएगा देखिए, यहां से क्या करना है हमको, एम बराबर एन ई स्क्वायर टो को निकाल लेना है। ठीक है, और एल बाय ए बच जाएगा, और वी बाय आई को लिख उतार देना है। ठीक है, अब एम बटे एन ई स्क्वायर टॉ होता क्या है? रो होता है, क्या होता है? रो, रो मतलब प्रतिरोधक का, विशिष्ट प्रतिरोध, इंटू एल बाय ए बराबर वी बाय आई। अब रो एल बाय ए क्या होता है? आर होता है, आर मतलब प्रतिरोध, वी बाय आई, आ तो गया वी बराबर आई। ठीक, चालक में इलेक्ट्रॉन से संबंधित धारा क्या होती है? आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी का मान पुट कर दिए क्या? कैपिटल ई टॉ बटे एम, ठीक, दो गो ई है तो स्क्वायर हो गया, ए टॉ बटे एम, ई को अलग करके ई का मान क्या पुट किया? वी बटे एल, वी क्या है? विभवांतर, और एल क्या है? चालक की लंबाई। अब एम एल को इधर बराबर के इधर ले आए, तो नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, और ये वाला ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। ठीक, वी बटे आई तो मेरे पास आ ही गया, और लाना क्या है? आर, इसको अलग किए, ये रो के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता बोल सकते हैं इसको, एल बाय ए हो गया। अब रो एल बाय ए क्या होता है? आर होता है, आर मतलब प्रतिरोध, बी बटे आई हो गया, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, प्रमाणित हो गया। अब आप एक सहायता से ओम के नियम को प्राप्त करें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं आने वाला वीडियो में।